हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बजे हैं 7:15। मैंने हाथ धो के और पूजा कर लिया, आप मेरी बैक साइड देख सकते हो। और अभी बच्चे बच्चे सब सो रहे हैं, रजनीश जी इनको घुमाने के लिए नीचे लेके जा रहे हैं। मैं भी एक बार इनके साथ नीचे वॉक कर लेती हूँ, मिलते हैं फिर आपको। बाय। थे कि नीचे वॉक करके आते हैं, घूम आते हैं थोड़ी देर, और फिर ऐसे मूड बन गया कि चलो मंदिर चले जाते हैं। तो मंदिर जाए हैं, माथा टेकाए हैं सुबह सुबह। और इन बच्चों का हाल सवेरे ही देख लो, ये देख लो क्या होने लग जाता है इनको, लड़ाई। ये ले ले। तो गाइस अभी कोई काम नहीं है, अनुज भैया भी सो रहे हैं, हमारा नक्कू भी सो रहा है, कोई ऐसा काम नहीं। थोड़ी देर में अभी रेस्ट कर लेती हूँ। आज संडे है तो काम भी होता है ऑफिस में। तो भैया इधर देख लो, ये होती है असल जिंदगी। उधर पापा सो रहे हैं, पापा के साथ में जनाब जी सो रहे हैं, ये देख लो नींद पूरी कर रहे हैं। और ये उठा हुआ है, पता चल रहा है पर उठना चाहता नहीं है। ये दोबारा सो गए थे मंदिर से आके, और एक जनाब इधर सो रहे हैं, ये देख लो। तो गाइस आज फिर जो ब्लॉग की शुरुआत है वो कर लेते हैं किचन से। तो मैंने ले लिए हाथ में बनाना, और मैं बना देती हूँ इनका बनाना शेक, भैया और को भी दे देती हूँ, नक्कू को भी उठाती हूँ, रजनीश को भी उठाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का तो अभी मन नहीं है। तो यहाँ पे मैं बनाना शेक बना के फिर देती हूँ सबको। तो भाई शेक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अभी मैंने ये नक्कू के लिए छोड़ दिया है, बाकी ये अनुज भैया का, मेरा और रजनीश जी का शेक रेडी है, मैं लेके जाती हूँ। पी लो यार, उठ के शेक पी लो। छोड़ गा दूं, ये देखो शेफ ली आपके पीछे, शेफू शेफू देख लो। ये ना सोने देता मेरे को, दो दिन हो पता नहीं क्या बीमारी हो रही है इसको। क्या नहीं सोने देता, सोया तो हुआ बेचारा। इधर पीछे आके लेट जाए या तो आके लेट जाए, ना तो मुड़ हुई नहीं देता ना कोई। खड़े होके शेक पी लो, ये देखो बना के लेके, कुछ नहीं होता, बच्चा है बेचारा। अब मत बड़े परेशान करो, बोल रहे हैं पापा मेरे बच्चे को, नहीं बोलते। मैं वो देखता, देखो टेढ़ा देख रहा है टेढ़ा। या तो इसको कोई दिक्कत, दिक्कत कुछ नहीं, नींद में सो रहा है पिछले 2 घंटों से। आप भी खड़े हो जाओ, दोबारा नींद पूरी कर लिया आपने। तो गाइज अभी मम्मा रेडी रूडी होके बना रहे हैं अनु चाचू के लिए ओट्स, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और उनके लिए ओट्स बना रहे हैं। तो ऐसा करियो आज भैया को या तो साथ में ले जियो। हाँ जी, किसी और डॉक्टर को दिखा लो दोपहर को। अच्छा, तो घर पे ही है भैया, ऑफिस नहीं लेके जा रहे उनको। दिखा लो और किसी डॉक्टर को। सो गाइस इधर ओट्स बनाए हैं हल्के हल्के बिल्कुल, और साथ में नहीं दे दिया ना कुछ, दे दिया फटाफट चाचू को। और हम लोग जा रहे हैं भाई अभी सैलून। डोलू तू क्या चिप्स खा रहा है? चिप्स खा रहा है डोलू। बाय नक्कू, बाय। सो गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं सैलून, और सैलून आपके पहला काम मेरा जो है वो है ये चाय का। प्रीति गाना गा रही थी, तो प्रीति को मैंने बोला कि कॉपी राइट आ जाएगा, हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि मैं घर से आज चाय पी के ही आई हूँ, सुबह से आई ऐसे ही दो चलते चलते चाय पी के। तो उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी पक्का, और अपना आउटफिट दिखाऊंगी तो आज बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हाँ ये मैंने कश्मीर में फर्स्ट टाइम वेयर किया था, तो हेलो मैम, हेलो मैम। वही सैलून से आ गए हैं घर, क्योंकि हमारे अनुज भैया की तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। खड़े हो जाओ, आज आपको वहीं एडमिट करके आएंगे। तू क्या कह रहा है, खिचड़ी? किसी ने कमेंट कर रखा था कि घर में एक जना बीमार होता है ना, खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। चले फिर,
नहीं ज्यादा हो रही है ना दिक्कत। तो गाइज अभी अभी मम्मा सलोन से आए हैं और आते ही काम पे लग गए, क्योंकि तुमने जितने दर्शन कर रखे हैं ना सुबह में सारा कुछ करके गए। गाइस हमारे जो अनुज भैया हैं वो बोल रहे हैं कि मैं बड़े हॉस्पिटल में चला गया ना मैं ज्यादा बीमार हो जाऊंगा, तो आज आज का दिन और वेट करते हैं, जो कल मेडिसिन लेके आए हैं वही शायद असर कर रही है, तो धीरे धीरे वो बोल रहे हैं। रोनी भैया कब आएंगे मम्मा? रोनी को कॉल किया है, रोनी बोल रहा था शायद कल आ जाएगा वो, और फिर अभी मैं एक बार मार्केट जाऊंगी, एक बार पहले बर्तन बर्तन करके काम करके थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट का थोड़ा काम है आज, कुछ राशन वूशन लेके आना है, चीजें लेके आना है, वो लेके करते हैं मार्केट से। तो गाइज इधर मैंने फिर खिचड़ी चढ़ा दी है और इधर चाय चढ़ा दी है, और लगातार पिछले दो दिन से घर में बिल्कुल हल्का खाना बन रहा है, खिचड़ी ओट्स और जैसे पोहा, तो वो सारी चीज़ें अभी खिचड़ी बन रही है, बन ही गई है, ऑलमोस्ट बन गई है, थोड़ी ठंडी होती है, अनुज भैया को देते हैं, रजनीश जी को चाय देती हूँ, मार्केट फिर जाऊँगी। सो गाइस यहाँ मैं भी खिचड़ी और चाय लेके आ गई हूँ, खाओगे क्यों नहीं? मैं लेकर आऊँ ब्रेड। ना ना खिचड़ी खा लो ना, अब टेस्टी है, ब्रेड अभी अभी बनाइए ताज़ा ताज़ा, ब्रेड खा क्यों ओह ब्रेड से एसिडिटी होगी। सो गाइस सैलून से घर आ गए थे और घर पे आके खाना वाना खिला दिया नक्कू को, अनुज को, सबको करके एक बार सेट वेट, और अभी शाम हो गई और बाहर देखो बारिश हो रही है, मतलब बाहर का जो वेदर है आपको एक मिनट लगता है बारिश होने लग जाती है, एक मिनट में ठीक हो जाता है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं सैलून पे, वो इसलिए क्योंकि मुझे हैंड वॉश वगैरह भी करवाना है, थोड़ा सा मार्केट में काम है, शायद हवा की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी, तो मार्केट का काम पहले करके आती हूँ उसके बाद जाऊंगी। चलें जनाब जी। चलो। और जनाब जी ने भी आज दो बार कपड़े चेंज कर लिए हैं, कर लिए ना। तो गाइस सैलून आके और मैंने आज देख लो कैसी ऑयली ऑयली कर रखा है, मैंने मसाज करवा ली है, हेड मसाज जाते हुए वॉश करवाऊंगी, और अभी मैं नेल के कलर लगवा रही हूँ, मतलब सिंपल नेल पेंट लगवा रही हूँ, एक्सटेंशन नहीं करवाऊंगी। तो गाइस इसमें एक लाश जा रही है देख लो, और ये लड़का लेके जा रहा है इस लाश को, चूहे का कत्ल हो चुका है वहाँ पे, नहीं मतलब मरा चुका है, कत्ल तो नहीं हुआ अपने आप ही मरा गाइस। तो हम जा रहे हैं सैलून से घर, बढ़ा के सैलून, और ओ भाई तो इधर प्रीति भी आ गई है हमारी, इधर शिवांशु भी, बाय शिवांशु, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट। तो अभी चलते हैं एक बार घर, फिर जाके आपको घर पे मिलते हैं। ये देखो सैलून से हम लोग आ गए हैं घर पे, और इधर देख लो इनकी मस्तियाँ, मस्तियाँ देख लो मस्तियाँ। तो हाँ एक दो चीज़ें जिससे मैंने जवाब देना, एक मैम का कल मैं नाम भूल गई, एक मिनट कल कमेंट आया हुआ था वो बड़ा अच्छा, उन्होंने कमेंट किया था कि आप ना इनका थोड़ा ध्यान रखा करो, कार है ये कि इनको ना एक तो अकेले मत छोड़ा करो, एक इनको घुमाने लेके जाया करो, और एक इनको रोटी रोज रोज मत दिया करो। तो बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग ऐसे ही केयर करते हैं। तो मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना एक गंदा बच्चा तो गुंद, तो रोटी ये खाते हैं हफ्ते में एक आधी बारी, जब इनका मन होता है वो भी लस्सी होती है ना, लस्सी में डिप करके या दही में थोड़ा सा वो करके वो खाते हैं। उसके बाद मंडे को इनकी फीड होती है अलग, ट्यूसडे को ये अलग खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चूजी है, एक दिन बिस्किट खाता है, एक दिन दूसरी कोई और फीड खाता है, एक इनका पिज़्ज़ा आता है, पिज़्ज़ा भी जो डॉग्स के लिए स्पेशल आता है, उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं उस पिज़्ज़ा को, और एक आते हैं बर्गर वेज में, एक तो नॉन वेज में आते हैं, एक वेज में आते हैं, हम इनको प्रॉपर ये वेजिटेरियन है तो इसलिए हमने इनको अपने तरीके से रखा हुआ है वेज में, तो एक इनके बर्गर आते हैं, तो ये चूज ही हैं, जैसे इनके सामने आज एक फीड खा ली इन्होंने तो कल दूसरी नहीं खानी, तो इनकी वो फीड वगैरह वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से लेके आते हैं। और एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि आप इनको ऐसे घर में बंद करके क्यों रखते हो, मतलब बंद करके ना रखना, बंद नहीं रखते मैम, स्पेशल एक लड़का जो कि इन्हीं के ऊपर रहता है, ये हमारा घर में और कोई काम नहीं, जो सिर्फ इनको ही रखता है, इन्हीं के साथ ही मतलब रहता है। तो वो क्या करता है, एक तो अर्ली मॉर्निंग ये फ्रेशन अप होने के लिए नीचे जाते हैं, क्योंकि घर में कभी भी ये फ्रेशन अप नहीं होते हैं, तो सुबह जाते हैं 4:30 या 5 बजे, ये खुद ही बोलने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, फिर वो इनको नीचे लेके जाता है, उसके बाद फिर वो खाना पीना जो भी होता है आके ये फिर सो जाते हैं, फिर वो लेके जाता है दोपहर मतलब 11-12 बजे एक बार नीचे घुमाने के लिए, सुबह जाता है 1.5 घंटा, और फिर दोपहर को थोड़ी देर घुमाता है और ले आता है, सिर्फ इनका फ्रेशन अप हो जाते हैं, तो
फिर वो लेके जाता है एक बार शाम को 5:30-6 बजे, उस टाइम वो इनको 1 से 1.5 घंटा इनकी पूरी एक्सरसाइज, इनकी रनिंग, वॉक वगैरह नीचे पार्क में सारा घुमा के लेता है। और फिर रात को 11 बजे फिर हम इनको एक बार भेजते हैं नीचे की, जैसे इन्होंने खाना खाया होता है तो रात को सोने से पहले। तो मतलब 4 टाइम इनकी वॉक होती है रेगुलर। और बस तो अच्छा लगा कि आप लोग इतना सोचते हो ना इनके बारे में, बट हमारे लिए ये फैमिली मेम्बर ही नहीं है, मजबूरी हमारी इतनी इस टाइम हो गई कि इनके लिए स्पेशल लड़का, क्योंकि पहले मैं घर पे रहती थी तो मैं पूरा दिन इनके साथ ही, हम इनको अकेले नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए लड़का रखा हुआ है। और ऐसा हो जाता है कि हर कोई कैमरा के सामने नहीं आना चाहता, हर किसी की मजबूरी होती है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई किसी का रिवील नहीं करते हैं हम कि इनको कौन लेके जा रहा है, कौन लेके। अगर वो लड़का यहाँ पे नहीं है तो फिर हम खुद जाते हैं, सुबह शाम को खुद जाते हैं। तो सच में इनका हम बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया वैसे मैंने। और सोते ये हमारे साथ हैं, ये इनकी थोड़ी बैड हैबिट है, इनका खुद के बेड पे ये सोते नहीं है बोलना चाहोगे कुछ? और जब बैठे होते हैं तो ये ऐसे लक्षण करते हैं। नहीं, मुझे, मैं नक्कू की इतनी केयर शायद ना करती हूँ जितनी इसकी करनी पड़ती है इनकी। तो दूध तो बहुत कम है, बट शुरू से बोलते हैं कि जो पचाने लग जाते हैं ना तो ये पचा लेते हैं। कई बार तो ये जब दूध वाला आता है उसी टाइम भागते हैं कि ठंडा सा चाहे 2 घूंट पिए, पीते जरूर हैं ये, बड़े नखरेबाज हैं। देख लो लच्छन। तो गाइज आज का दिन भी बस ऐसे ही निकल गया, बिजी चल रहा है, क्योंकि घर में अगर किसी एक बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं होती ना तो वही चीज़ है कि लगने खुद को भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। तो सुबह भी वही खाना बना के गई थी, दोपहर को आके फिर बनाया था, अभी फिर खाना खुना बना के सारा दिन मैं क्या ही दिखाऊँ खाने का कि खाना बना रही हूँ। तो अभी खा पी के अभी फ्री होके बैठे हैं। तो जनाब जी आज सुबह से आप बोले नहीं हो व्लॉग में बिल्कुल भी, मेरे से नाराज हो, इधर मुंह करना एक बार, पब्लिक से तो नाराज नहीं हो, मेरे से नाराज हो। मेरे से क्यों नाराज हो? ऐसे ही मैं बोलता तो हूँ, मतलब इनको बहाना चाहिए लड़ने का, हमेशा लड़ता है ये इंसान मेरे से हमेशा, और मैं हमेशा इग्नोर कर देती हूँ लड़ाई को। आज मैंने गाइस ये वाली नेल पेंट लगाई थी मैरून कलर की, डार्क। और करें फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। ओके बाय, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। और एक 2 दिन में आपको एक लंबा सफर का वीडियो देंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जब तक अनुज की तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बारे में बहुत एक अच्छा सा ब्लॉग देंगे, क्योंकि अनुज की जो तबीयत है वो बहुत खराब हुई पड़ी है। तो एक बार भैया की तबीयत ठीक हो जाए फिर हम लोग जाएंगे कहीं बाहर घूमने में, से प्लान तो था कि इस वीकेंड जाएंगे, बट नहीं, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।